हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? अ वेरी गुड मॉर्निंग। सो टुडे इज 5 जून। चलिए देखते हैं आज क्या था। एक तो सॉरी, हाँ, दिस वन पेज वन पे देखिए क्या होता है। आरबीआई कब रेपो रेट चेंज कर रही है, ये देखिए, ये ना बहुत जल्दी जल्दी होता रहता है। दीज आर फ्रीक्वेंट यू नो थिंग्स, तो उसके नोट्स मत बनाया करिए कि अब रेट चेंज किया है, अब क्या इन्फ्लेशन बढ़ा है, अब कितना सीपीआई बढ़ा है, इसको मत देखा करिए। आपने क्या देखना होता है उनकी बेसिक्स टर्म्स। अगर कुछ बहुत ड्रास्टिक चेंजेस आते हैं, कुछ कुछ जैसे कहते हैं ना, अमेरिका में क्वांटिटेटिव ईजिंग हुई थी कि 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट कर दिया था, तब कुछ अगर ऐसा होता है या कुछ रिसेशन आ जाता है, ग्लोबल रिसेशन जैसे आ जाता है, तो हमें देखना होता है। नहीं, रोजमर्रा में इसको मत नोट्स बनाया करिए। व्हाट इज इंपॉर्टेंट आउट ऑफ ऑल दीज इज मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी क्या है, कौन कौन बैठता है, कैसे वोटिंग होती है, व्हाट इज मॉनिटरी पॉलिसी, व्हाट इज क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ आरबीआई, इन्फ्लेशन क्या है, सीपीआई क्या है, डब्ल्यूपीआई क्या है, हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या है, कोर इन्फ्लेशन क्या है, दैट यू विल गेट इट इन 11th जनवरी एनालिसिस। प्लीज सुनिए, दीज पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज मेल मत करा करिए। कोई भी क्वेरी है आपकी, कमेंट सेक्शन में करा करिए। एक मेल आई थी सर, आपने वो डेल्टा वेरिएंट आया था 2-3 दिन पहले। देखिए प्लीज़, हमारी इंटेलिजेंस को जज मत करिए। हमने भी पढ़ा था डेल्टा वेरिएंट। डेल्टा वेरिएंट 3 दिन से नहीं, ये वेरिएंट तो वैसे तो 6-7 महीनों से ही आ रहा है, बट डेल्टा नाम इसको दिया गया है। हमें पता था नेमिंग्स आई है, इट इज़ नॉट सो मच इम्पॉर्टेंट, मगर 2-3 दिन से हमें पता था ये अभी 4-5 दिन, 6 दिन, 7 दिन क्या ये रोज चलेगा, क्योंकि आपको पता है कोरोना का, आप अगर आप देख रहे हैं तो कई महीनों से चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। तो वी न्यू कि ये बहुत लंबा चलेगा। हमने इसके नोट्स बना लिए थे, बट क्या था कि 3-4 दिन से एनालिसिस बाकी लेक्चर्स के बहुत ज़्यादा चल रहे थे, तो इसलिए हमने इसको पुटअप नहीं किया है। हम अगर जब नोट्स बनाते हैं तो ये नहीं कि आज का नोट बनाया उसको डिलीट कर दिया। अगर हम आपको डेट्स दे पा रहे हैं, दैट मीन्स हम उसको सब कुछ रिस्टोर करके रखते हैं। अगर ये सब कुछ भी था डेल्टा वेरियंट का, हमने ऑलरेडी नोट्स बना लिए थे, बट ये था कि जिस दिन लेक्चर में थोड़ा कम होगा एनालिसिस करने वाला पुराने लेक्चर्स को, तब हम देंगे। बट अगर आप, तो इसलिए जैसे जैसे हम कर रहे हैं ना, प्लीज़ आप हमारे साथ एक बारी, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, जैसे जैसे हम करा रहे हैं वैसा वैसा भी अगर आप करेंगे ना, आपको जनरल स्टडीज़ में तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कोई रोक नहीं पाएगा इन करंट अफेयर्स। ठीक है, तो भरोसा रखिए, कभी कभी भरोसा रखना ज़रूरी होता है। भगवान को भी देखा नहीं होता, बट भरोसा होता है तो आपकी ज़िंदगी कट जाती है। तो आप यहाँ पर, हम यहाँ पर भरोसा रखेंगे तो आपको हम धोखा नहीं देंगे। ठीक है, अब डेल्टा वेरिएंट क्या है बेसिकली ना, इसमें इंपॉर्टेंट क्या आता है कि नेमिंग कौन कर रहा है इन वेरिएंट्स की, क्यों करी जा रही है। तो नेमिंग करता है WHO, और क्यों की जा रही है, ग्रीक अल्फाबेट्स को यूज़ किया गया है, और क्यों की जा रही है, कुछ साइंटिफिक रीजन है, ऐसा कुछ नहीं है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्या आ जाता है, प्रेलिम्स में पूछ सकते हैं कि दिस इज डन ड्यू टू साइंटिफिक रीजंस, ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली पब्लिक डिस्कशंस में P117, B16172 अगर रेडियो पे भी अनाउंस करना है या गवर्नमेंट ने भी बात करनी है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है पब्लिक डिस्कशन में उसको सिंप्लीफाई करने के लिए, और एक नाम्स का ना स्टिग्मा बन जाता है, B117, B1351। और जैसे इंडिया ने भी अपने एतराज़ जताया था कि आपने इस नाम को इंडियन वेरियंट नाम क्यों दिए, इंडियन कोरोना वेरियंट नाम क्यों दिए, तो उन सब के स्टिग्मास को हटाने के लिए ये नाम दिया गया है, टू ईज, और कुछ नहीं है इसका। तो अल्फा बेसिकली यूके के वेरिएंट को दिया गया, बीटा दिया गया साउथ अफ्रीका के, गामा दिया गया ब्राजील के, डेल्टा दिया गया B16172 को इंडिया के, कापा भी अगर आपने और डिटेल में जाना तो कापा नाम दिया है B16171 को। ठीक है, मेन इसमें इंपॉर्टेंट क्या रहता है कि म्यूटेशन क्या होती है, वायरस की कोविड म्यूटेशन क्या होती है, जीनोम्स क्या होते हैं, आरएनए डीएनए क्या होता है, जीनोम सिक्वेंसिंग क्या होती है। जिन्होंने सुन रखा है आई नो वो जानते होंगे, बट जो नए हैं, 9th अप्रैल का एनालिसिस देखिएगा। देखिए एनालिसिस अगर आप पुराने देखते हैं ना, अगर आप वैसे भी अगर आप सोचते हैं कि यार क्या एनालिसिस देखना है, मैं इसे अच्छा सर्च मार लेता हूँ, उसमें भी आपकी, या मैं पढ़ लेता हूँ उसके भी, मैं आपको 10-15 मिनट पता नहीं चलेंगे, बट आपके 10-15 मिनट वेस्ट होते ही हैं। तो अगर आप सीधा एनालिसिस खोल लेंगे ना प्ले लिस्ट में जाके, अप्रैल का, अप्रैल में जाके 9th अप्रैल को अगर आप जाएंगे, आपके हार्डली 1 या 1.5 मिनट लगेगा नोट्स बनाने में, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और अगर मैं टोटल लेक्चर की अगर ज़्यादा एनालिसिस की बात भी करूँ, तब भी आपके 5 से 7 मिनट लगेंगे, ज़्यादा नहीं लगेंगे। ओके, एक पेज टू पे फॉरेन अच्छा था, क्या जैसे हम देख रहे हैं कि फॉरेन की कंपनीज जो हैं, इंडिया की जो बायोटेक कंपनीज हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं जो ये मेडिसिन बनाते हैं, उनको ढूंढ के उनसे प्रोडक्शन करवा रही है, और अच्छा प्रोडक्शन वो कर रहे हैं। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया कि ऐसा क्या सेंट्रल गवर्नमेंट्स अपने अनअवेयर है हमारी अनटैप्ड पोटेंशियल जो है ड्रग मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स की इंडिया में, उनको लेके क्या आप अनअवेयर हो?
आपको ये नहीं दिख रहा है कि फॉरेन फर्म्स जो है उनको लोकेट करने में इजीली ढूंढ रही हैं, इजीली उनके साथ टाई अप कर रही हैं, आप क्यों नहीं ढूंढ पाए? अगर आपने जैसे पेनेसिया बायोटेक का एग्जाम्पल दे के कहा उन्होंने कि हिमाचल प्रदेश में वो बेस्ड है, आपको वैसे मैं बता देता हूँ, हिमाचल प्रदेश में सोलन में और कसौली में बहुत सारी मेडिकल फर्म्स हैं, मेडिकल मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स हैं, तो कहते हैं अगर आपने उनको ढूंढ लिया होता तो एटलीस्ट आज हमारे पास करोड़ों डोजेज होती और हर स्टेट्स में आप कोई ना कोई प्लांट्स देखेंगे। तो अगर उनको आपने ढूंढ लिया होता, उनकी पोटेंशियल को टैप कर लिया होता, जैसे हमने देखा है कि चलो कोविशील्ड तो यूके का बना हुआ है, कोवैक्सीन तो यहीं की बनी हुई थी ना, उनको लाइसेंसेस दे सकते थे। आप ट्रिप्स वेवर पे जा रहे हो, ये करना चाह रहे हो, वो करना चाह रहे हो, अगर इससे अच्छा अगर आपने अपनी खुद की पोटेंशियल पहचान ली होती कि हमारी इतनी अनटैप्ड पोटेंशियल है, इतनी मेडिकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, उनको अगर आपने लाइसेंस दे दी होती, उनको फाइनेंशियल ग्रांट दे दी होती, तो आज हमारे पास करोड्स ऑफ डोजेज होती। तो कभी भी ट्रिप्स वेवर पे क्वेश्चन आए, क्रिटिकली एनालाइज करना हो, या अगर आपके ऊपर वैक्सीनेशन पे हुआ है क्वेश्चन, तो ये पॉइंट्स ऑफ फॉर्डर होते हैं, तो आप इसको पुट कर सकते हैं, तो एग्जामिनर को लगेगा कि आपको करंट परस्पेक्टिव का ये भी पता है कि कोर्ट की क्या रूलिंग्स आ रही हैं। उस पर एक एडिटोरियल पता है, एसडीजीज, एसडीजी इन डिटेल, इंडिया टॉप स्टेट्स, वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स, पाल्मा रेशियो एंड इनइक्वालिटी, वो 4 जून कल ही हमने डिस्कस किया था, उसको एनालिसिस में देख लीजिएगा, उसमें हमने बताया कि कौन कौन से लेक्चर्स हमने सुनने हैं। फिर एक एडिटोरियल पे इसराइल की पॉलिटिक्स को लिखा था, इसको देखने की जरूरत नहीं है, बेंजामिन नेतन्याहू जो हैं लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम बने हैं, कोई बात नहीं, हमें क्या करना है, ये बने होंगे, ये टोटली पॉलिटिकल है। देखिए ये तो हिंदुस्तान में इतना होता है, कितनी कितनी स्टेट्स हैं जब कॉलिशन गवर्नमेंट होती है, आपने बिहार में भी देखा था पिछली बार के इलेक्शंस में कि भैया आरजेडी को छोड़ के फिर वो बीजेपी के साथ हो गए, तो इतना आपको देखने की जरूरत नहीं कि वहाँ की पॉलिटिकल उसमें क्या चल रहा है, ठीक है। उसके बाद एक एडिटोरियल पे था, एक तो हैप्पी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, तो हमारे लोगों में एक बड़ी अच्छी आदत है कि जब वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे आता है तो हम एनवायरनमेंट पे एडिटोरियल जरूर लाते हैं, बाकी दिन चाहे आए ना आए, बड़ा अच्छा है। जरा देखिए थोड़े नोट्स बनाइए, अगर जितना मैंने लिखा है उसी को आप एज इट इज पेस्ट कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, समझने के लिए मेरी बात सुन लीजिएगा। कहते हैं क्लाइमेट चेंज जो है और जो पेंडेमिक है, जो ये चल रहा है पेंडेमिक, ये हमारे नेचुरल इकोसिस्टम पे ना और ज़्यादा स्ट्रेस डाल रहा है, और हमें पता है कि अगर हमें ये क्लाइमेट चेंज को अगर हम रोक सकें, अगर हम रिपेयर कर सकें और अपने क्लाइमेट चेंज को रोकना है हमें, तो हमें अपनी बायोडाइवर्सिटी के साथ एक रिलेशन अच्छा बनाना होगा। हम अपनी बायोडाइवर्सिटी के साथ अगर अच्छा रिलेशन बना लेंगे, उसको संभाल के रख लेंगे, तो हम ये ऑनगोइंग जो ये पेंडेमिक्स हैं, इन्फेक्शियस डिजीजेज हैं, उनसे भी और जो क्लाइमेट चेंज का खतरा हमारे पर मंडरा रहा है उससे भी हम सब कुछ बच सकते हैं, बहुत चीज़ों से बच सकते हैं। बायोडाइवर्सिटी प्रिजर्व करना इसलिए भी रेलेवेंट है क्योंकि हमारे सोशल इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल वेलबींग के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमें अपनी बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व रखना। हमें वन हेल्थ फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वन हेल्थ फॉर ऑल अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, वन हेल्थ फॉर ऑल बेसिकली ये होता है कि इंटीग्रेटेड अप्रोच से चलना, ये नहीं कि आदमी को एक अलग ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाए, जानवरों को कम दी जाए, पक्षियों को ज़्यादा दी जाए या किसी और जानवर को कम दी जाए, ऐसा नहीं हो। वन हेल्थ फॉर ऑल मतलब सबको एक नज़रिए से देखना, सबकी हेल्थ की उतनी ही चिंता करना, सबके बारे में उतना ही सोचना। अब हमें ज़रूरी है कि हम वन हेल्थ फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में सोचें, चाहे वो छोटे से छोटा कीटाणु जो दिखता भी नहीं है ज़मीन के अंदर, चाहे वो क्यों ना हो, क्योंकि वो हमारे एग्रीकल्चर सिस्टम को सस्टेन रखता है। तो आज हमें थोड़ा सा अपने बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करने की ज़रूरत है, उसको हमें दोबारा से उभारने की ज़रूरत है जो हम डुबाते जा रहे हैं। कहते हैं एस्टीमेट बताता है कि फॉरेस्ट फॉरेस्ट जो हैं हमें ट्रिलियंस ऑफ रुपीस पर ईयर दे सकते हैं, हमें ऐसी सर्विसेज दे सकते हैं। हमें सोचो अगर हमें फॉरेस्ट इतना दे सकते हैं, तो अगर हम साथ साथ ग्रासलैंड्स को भी, वेटलैंड्स को भी, फ्रेश वाटर को भी, मरीन को भी ऐड कर दें, तो कितना कितना कुछ दे सकते हैं वो हमें। सिर्फ ये मॉनेटरी टर्म्स की बात नहीं कर रहा हूँ, खुशियाँ भी अगर हम देखिए, खुशियों को कैलकुलेट नहीं कर सकते। जैसे हम कहते हैं ना कि हम केयर इकोनॉमी में जो हमारी माएँ जो हैं डोमेस्टिक वर्क करती हैं उसको हम जीडीपी में काउंट नहीं करते हैं, वैसे ही खुशियों को हम कभी सोच नहीं सकते कि मॉनेटरी टर्म्स में कितना कुछ वैल्यू करती हैं वो। अगर आज आप खुश हैं और आपको बीपी नहीं हो रहा है, जिस वजह से अगर टेंशन्स बनेंगे तो बीपी होगा, अगर आप खुश हैं आपको बीपी नहीं हो रहा है, आपकी मेडिकेशंस का खर्चा बचता है, आप खुश रहते हैं ज़िंदगी में, स्पिरिचुअल आप रहते हैं, तो ये चीज़ याद रखिएगा कि हमें बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करना कितना ज़रूरी है। कहते हैं कि आज हम जो है सबसे ज़्यादा वन ऑफ द वर्स्ट पब्लिक हेल्थ क्राइसिस देख रहे हैं, और साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि वर्ल्ड वाइड डिक्लाइन हुई है बायोडाइवर्सिटी। 2000 से लेके अभी तक हमने 7% फॉरेस्ट अपने खो दिए हैं, 7%। और कहते हैं कितनी ही मिलियन स्पीशीज हैं जो हम खो देंगे कुछ डिकेड्स के अंदर अंदर, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से।
अब इतनी बुराई लिख दी है तो अब थोड़ा सा देखिए कि गवर्नमेंट क्या स्टेप्स ले रही है। कहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट स्टेप्स ले रही है, बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट्स कर रही है बायोडाइवर्सिटी साइंस में टू मीट सोसाइटल नीड्स। जैसे 2018 में प्राइम मिनिस्टर का जो साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल है वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के साथ उन्होंने अप्रूव किया एम्बिशियस नेशनल मिशन ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड ह्यूमन वेलबींग। देखिए PMSTIAC क्या है, इसके कौन कौन से मिशंस हैं वो हमने बहुत डिटेल में और इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फोर्थ वेब के एनालिसिस में देखा था, प्लीज़ आप सुन लीजिएगा एक बार जाके, ठीक है। नहीं भी सुनना हो तो पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, एक मिनट पॉज करके नोट्स बनाने में इट विल हार्डली टेक यू वन मिनट, वो कर लीजिएगा एटलीस्ट, ठीक है। तो हम ये मिशन लेके आए हैं। अब इस मिशन में क्या है कि हमने कहा है कि हम रिस्टोर करेंगे, कंजर्व करेंगे और सस्टेनेबली यूटिलाइज करेंगे इंडिया के नेचुरल हेरिटेज को, और हम अपनी कैपेसिटी एनहांस करेंगे ऑल द सेक्टर, अक्रॉस ऑल द सेक्टर्स हम अपनी कैपेसिटी एनहांस करेंगे ताकि हम अपनी नेशनल बायोडाइवर्सिटी जो टारगेट्स हमने रखे हैं, नेशनल बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स और जो हमारी UN के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको हम अचीव कर सकें, क्या कर सकें, अचीव कर सकें। तो उस वजह से हम अपनी कैपेसिटी एनहांस करेंगे अक्रॉस ऑल द सेक्टर्स, और हम अपनी रिस्टोर करेंगे, कंजर्व करेंगे, सस्टेनेबल तरीके से करेंगे इंटरनेशनल हेरिटेज को। एक प्रीलिम्स फैक्ट इसमें दे रखा था कि इंडिया जो है 8% ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी जो है 8% इंडिया के अंदर है, और अगर हम लैंड एरिया देखें तो सिर्फ 2.3% है, मतलब लैंड के अकॉर्डिंग हम 4 times हैं वर्ल्ड में। तो ये थोड़ा सा प्रीलिम्स फैक्ट है। कहते हैं कि मिटिगेशन प्रोग्राम्स जो होंगे ना वो एक तो इम्पैक्ट जो क्लाइमेट चेंज का है उसको भी कम करेगा, और दूसरे जो ये पेंडेमिक्स, फ्लड्स वगैरह के नेचुरल डिजास्टर्स हैं उनको भी काफ़ी कम करने में हेल्प करेगा। हम अगर मिटिगेशन करते हैं, अपनी बायोडाइवर्सिटी के बारे में सोचते हैं, तो हमारी ये रेजुविनेट करेगा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन सिस्टम को भी, और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अगर ये बढ़ाएगा तो हमारी रूरल इनकम बढ़ेगी, ठीक है। और साथ साथ हम ग्रीन जॉब्स भी क्रिएट कर सकते हैं, मिलियन जॉब्स, जिसमें किसमें, रिस्टोरेशन में एंड नेचर टूरिज्म में। रिस्टोरेशन कैसे करेंगे, जैसे जो इंडिया का डिग्रेडेड लैंड है, हम जानते हैं 1/3 ऑफ इंडियाज लैंड इज डिग्रेडेड लैंड, अगर हम उसको रिस्टोर करेंगे तो हम उससे क्या है बहुत मिलियन जॉब्स जनरेट कर सकते हैं। दूसरा फिर हम टूरिज्म प्रमोट करेंगे, होटल्स खोल सकते हैं या पार्क्स बना सकते हैं, नेचुरल फॉरेस्ट बना सकते हैं, जहाँ पे टूरिस्ट आएंगे वहाँ पे लोगों को फिर एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। उस चीज़ों के लिए हमें कुछ ज़रूरत है ट्रेनिंग प्रोफेशनल्स की, उसके लिए हमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी सिविल सोसाइटीज़ में, और उन तक पहुंचने के लिए भी इन्वेस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी। दूसरा हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा एनवायरमेंटल एजुकेशन लानी पड़ेगी अपने स्टूडेंट्स के लिए, ताकि वो समझ सकें व्हाट एजुकेशन मींस, एनवायरमेंट मींस। तो हमें थोड़ा सा कल्चरल चेंज करना पड़ेगा ताकि हम थोड़ा सा एनवायरमेंटल एजुकेशन जो है हम अपने, ये नहीं कि बहुत बड़ी क्लास के लेवल्स को, छोटे बच्चों से लेके, जैसे हम, मुझे याद है जब हम बचपन में होते थे तो हमारे एक मॉरल साइंस का एक सब्जेक्ट हुआ करता था, मॉरल साइंस, जिसमें थोड़ा सा सोसाइटी के साथ ये सब, बाद में वो सब खत्म होता चला गया। तो ऐसे ही हमें एक एनवायरमेंटल साइंस लेके आना चाहिए फर्स्ट सेकंड क्लास के बच्चों को, थोड़ी थोड़ी, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा रिग्रेसली, आराम आराम से समझाया जाए और अप टू पोस्ट ग्रेजुएट लेवल, ताकि लोग अवेयर हो सकें। आज क्या है, लोग अवेयर ही नहीं है, बहुत 1 या 2% लोग होंगे जो हाँ अवेयर रहते हैं, पेड़ पौधे उगा रहे हैं, कुछ भी अच्छा कर रहे हैं, अगर आज सिग्नल्स हैं तो अपनी गाड़ी बंद कर देते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए हमें थोड़ा सा ज़रूरत है कि हम एजुकेट करें आज के जनरेशन को। दूसरा पेज 8 पे था वो सबमरीन्स के बारे में। देखिए जब वो, अभी तो बहुत लंबा प्रोसेस होता है, अभी तो RFP गया है, उसके बाद अप्रूवल्स होंगे, 2-3 साल उसमें लगेंगे, बनने में टाइम लगेगा, तो उस चीज़ को मैं देखिए हमें देखना चाहिए डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल क्या है, सेकेंड मेक एनालिसिस पर हम देख चुके हैं, 75I क्या है, प्रोजेक्ट 75I था उसमें। कहते हैं कि प्रोजेक्ट 75 में इंडिया का क्या प्रोग्राम है कि हमें 6 next generation डीजल सबमरीन्स लेनी है, और वो भी किसके साथ लेनी है, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम के साथ। कौन सी टेक्नोलॉजी के साथ हमें डीजल सबमरीन्स चाहिए, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन, AIP सिस्टम कहते हैं बेसिकली इसको, AIP टेक्नोलॉजी बाय 2022। दिस इज इम्पॉर्टेंट, क्या है कि जो दूसरी नॉर्मल कन्वेंशनल डीजल सबमरीन्स होती है ना, उसमें क्या है उनको थोड़े थोड़े टाइम बाद ना ऊपर आना पड़ता है सरफेस पे, ताकि वो एक्सचेंज ऑक्सीजन ले सकें, ताकि उनकी बैटरीज रिचार्ज हो सकें। अब AIP टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो वो सबमर्ज, मतलब अंदर पानी के रह सकते हैं फॉर मच लॉन्गर पीरियड, और इनके पास ब्रह्मोस फॉर द सी और लैंड टारगेट्स के लिए ब्रह्मोस मिसाइल होगी, ट्यूब लॉन्च टोरपेडोज होंगे, ठीक है, फॉर एंटी सबमरीन अगर वॉरफेयर होता है तो।
उसके बाद एक पेज 10 पे था, ये एक फॉर्डर है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि हाई चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट्स को कि आप जो रिकमेंडेशन भेजे जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स की इन द हाई कोर्ट्स, वो एक सोशल डाइवर्सिटी दिखाता हो हमारी कंट्री की। तो ये ना थोड़ा सा फॉर्डर है, कभी भी डाइवर्सिटी की बात हो या कुछ भी बात हो तो आप कह सकते हैं कि हाँ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी इसको एक्नॉलेज किया था कि कभी भी हमें हाई कोर्ट्स में या कोर्ट्स में जब भी हमें वो जो वैकेंसीज हैं उनको करना है फिल, तो हमें थोड़ा सा सोशल डाइवर्सिटी देखनी चाहिए कंट्री की, डिफरेंट डाइवर्सिटीज से लोग आने चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये कोई एज इट इज़ क्वेश्चन नहीं है, बट ये फॉर्डर है। कभी भी डाइवर्सिटी पे क्वेश्चन आता है, कल्चरल उस पर क्वेश्चन आता है, रेशल उस पर आता है क्वेश्चन, डिस्क्रिमिनेशन पे, तो उसमें आप ये फॉर्डर लिखिए, तीन चार बार गो थ्रू करेंगे तो आपको याद रहता है कि हाँ मैंने ये चीज़ पढ़ी थी, तो आप वो पॉइंट आउट कर सकते हो। इंटरनेशनल पेज पे हांगकांग का दे रखा था, लेको का दे रखा था। ये 14 जनवरी के एनालिसिस में हमने हांगकांग की हिस्ट्री और सब ये इश्यूज देखे थे कि क्या प्रोटेस्ट हुआ था साल भर पहले, और 2 अप्रैल एनालिसिस में हमने देखा कि क्या नया लॉ लाया बीजिंग लेको को लेके। फिर बिजनेस पेज पे G-Sec के बारे में था, इसको अपने करंट अफेयर्स नोट्स में करने की जरूरत नहीं है कि RBI ने खरीद लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, आप इसको अपने बेसिक्स इकॉनमी में जो पढ़ेंगे, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ क्या होता है, गिल्ड सिक्योरिटीज़ क्या होता है, वो बहुत है। क्रिप्टो करेंसी को लेके क्या है, क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, क्रिप्टो करेंसी और इसको क्या लेके क्या क्या लॉज बना रखे हैं गवर्नमेंट ने या नहीं कोई लॉ है इंडिया में, वो आप 31 जनवरी का एनालिसिस देखिए, उसके अलावा अभी तक कोई चेंज नहीं आया किसी भी चीज़ में। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय, टेक केयर।